टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के फटाफट खबरों की। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने मुंबई शहर को लेकर एक बेहद ही भयावह भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि साल 2050 तक नरिमन पॉइंट और राज्य सचिवालय सहित दक्षिण मुंबई का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। मुंबई की एक महिला ज्योतिषी के साथ हरिद्वार में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा इस मामले में दर्ज कर लिया है। टेरो कार्ड से भविष्य बताने वाली महिला ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के पुणे में कार से जा रही एक औरत को कार रोककर वड़ा पाव खाना भारी पड़ गया। चोर ने कार से इस औरत का पर्स चुरा लिया जिसमें गहने और कैश करीब 8,11,000 रुपए थे। इस मामले में औरत ने सहकार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई के आगरीपाड़ा में एक 26 साल की सोनल खारवा अपने प्रेमी प्रकाश खारवा के घर के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि लगभग 50% जल चुकी है सोनल खारवा। सोनल खारवा के प्रेमी प्रकाश खारवा ने दूसरी लड़की से सगाई कर ली थी और इसी से नाराज होकर सोनल खारवा ने यह कदम उठा लिया। कस्तूरबा अस्पताल में इलाज जारी है। वही मुंब्रा में मॉम्स एंड लव केक शॉप का उद्घाटन विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर शानू पठान और उनके तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पोर्नोग्राफी मामले में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को कुछ समय पहले मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मगर अब गहना सोशल मीडिया के जरिए पुलिस पर आरोप लगा रही है। गहना ने अपने फटे हुए कपड़े के साथ सोशल मीडिया में एक तस्वीर शेयर की है और लंबा चौड़ा सा एक नोट लिखकर पुलिस को इस दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराया है। मुंबई पुलिस और नारकोटिक्स सेल ने कोकीन की एक बड़ी खेप के साथ एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। इसके पास से बड़ी मात्रा में कोकीन बरामद की गई है जिसकी कीमत 3,75,00,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं एनसीबी ने मुंबई के 10 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 2 नाइजीरियाई नागरिकों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई के जोगेश्वरी नाला सुपारा इलाके से गिरफ्तारी की गई है। एमडी चरस नशे का कारोबार में ये सभी लोग शामिल थे। इनके पास से नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता अरमान कोहली एक बार फिर सुर्खियों में है। न्यूज़ एजेंसी ANI के रिपोर्ट के मुताबिक एनसीबी ने शनिवार को ड्रग्स से जुड़े मामले में छापेमारी इनके मुंबई स्थित घर पर किया है। छापेमारी के दौरान नशीला पदार्थ भी अरमान कोहली के साथ बरामद किया गया है। एनसीबी ने एक टीवी कलाकार गौरव दीक्षित को भी नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने गौरव को नशीले पदार्थ के तस्करी मामले में शुक्रवार की देर रात में अंधेरी स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।